केजरीवाल। बोर्ड ने केजरीवाल की ईडी की रिमांड को बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केजरीवाल को एक बार फिर से झटका यहां पर लगा है। जो रिमांड है उनकी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को ढाल बनाकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, आज जो कोर्ट में जो बात हुई और सामने आया कि ईडी ने डिमांड मांगी थी कि 7 दिन की कस्टडी और मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ईडी की मांग को लेकर के केजरीवाल को 1 अप्रैल तक जो है ईडी की रिमांड में रहेंगे और 7 दिन और बढ़ा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका एक तरह से केजरीवाल के लिए, क्योंकि चुनाव के समय में उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा ये आपको बताए कि मनी ट्रेल का मामला जो है चूंकि सामने आया है और कहीं ना कहीं तमाम सबूत जो है वो जुटाने हैं ईडी को। ऐसा ईडी का कहना है, चाहे वो मोबाइल लिंक्स हो या फिर अलग तरह के सबूत हो जो साक्ष्य के तौर पर ईडी पेश करेगी, तो उसको लेकर के लगातार रिमांड जो है मांगी जा रही है। कई लोगों से पूछताछ करनी है, कई लोगों को ईडी केजरीवाल के सामने लाना है तब पूछताछ करनी है। तो कहीं ना कहीं अभी मुश्किलें कम नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती जा रही है। और आज एक बार और झटका लगा जब ईडी की मांग पर केजरीवाल को 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है ईडी की। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है, और ऐसे में सवालों की फहरिस्त भी ईडी की ओर से काफी लंबी है। अब देखने में ये रहने वाली बात रहती है कि जो रिमांड पर लिए गए और प्रश्न जो पूछे जाएंगे उन्हीं के आधार पर उनका आगे का जो सफर है इस पूरे मामले को लेकर वो टिका हुआ है। जी आमिर, बिल्कुल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस समय जेल के अंदर हैं, आप देखेंगे चाहे संजय सिंह हो या फिर दूसरे बड़े मनीष सिसोदिया हो, अब केजरीवाल, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल करीब है और लोकसभा का चुनाव, जहां पर आप देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन एक तरह से करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस के 3 कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल को एक तरह से बाहर ना आ जाए, वो कहीं रैली ना कर ले, कहीं लोगों से मिल ना ले, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि बात तमाम सबूतों के आधार पे हो रही है, यहाँ पर लगातार ईडी साक्ष्य कह रही है, हम लगातार साक्ष्य पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां रामपुर से आसिम रजा का पर्चा खारिज किया जा चुका है। आजम के करीबी हैं आसिम रजा, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर रामपुर से आसिम रजा का पर्चा खारिज हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं,